बड़ा बाजार रामायण गली के पास है। हम देख सकते हैं नदी ने जब पूरा महानदी का पानी पूरी तरह खुल चुका है। अभी तीसरी गेट खुले हैं, यदि और आगे बढ़ेंगे तो हर तरफ बाढ़ आ चुकी है। अभी देख सकते हैं जो जहाँ है वहीं रुक चुका है क्योंकि इतना पानी आ चुका है, निकलना मुश्किल हो जा रहा है। यहाँ के देख सकते हैं कई आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, बस बाढ़ में सब तरफ पानी ही पानी नजर आ रहे हैं। आप लोग देखिए अभी और पानी छोड़ने की संभावना है, सरकार कहना कि अभी और पानी आएगा क्योंकि यह पानी जो है बाहर छत्तीसगढ़ से आ रहा है, हीराकुद होते हुए हर तरफ फैल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह पानी है और कैसा कैसा यहाँ पर बच्चे लोग भी मजा लेते हैं। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। अरे कौन जाएगा अंदर? नहीं, कौन जाएगा? बोलिए कैसा पानी लगता है आपको? अच्छा बोल देना थोड़ा। हाँ आपका नाम? मेरा नाम राकेश महापात्र। राकेश वो जो आज जो पानी आ चुका है ये कौन सा एरिया है? ये बड़बाजार सड़क और कोटलेश्वर मंदिर का सामने है। अच्छा ये बगल में गली जो कौन सा? रामायण मंदिर गली है। रामायण मंदिर गली। तो यहाँ पानी आने से और कितना बढ़ता है? और जो 2011 में जो आया था उस टाइम इतना जो दीप दिख रहा है ना गेट का, देखो दीप का जो गेट दिख रहा है, गेट का जो दीप है ना उतना दूर तक आया था। और अभी शायद छोड़ेगा पानी छोड़ेगा। हाँ सर तो और आगे बढ़ेगा, आगे और तो लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि नहीं? हाँ गाड़ी का भी सब सतर्क हो रहा है, हमको भी सतर्क होना पड़ेगा। तो अभी इनको कहाँ रख रहे हैं अभी आप? अभी इधर सामने में रामायण मंदिर है, उधर गया है। अच्छा उधर है। हाँ चलिए धन्यवाद आपका सर, आप लगिए लोगों को हेल्प कीजिए, लोगों को जान बचाइए। थैंक यू सर।